हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए सीट्रॉइन C3 की बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये इसकी की काफ़ी डिसेंट है, ये इसके AC कंट्रोल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, AC वेंट्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये जो डिस्प्ले है इंफोटेनमेंट वो भी काफ़ी हार्ड बिल्ड है, और इसका ये जो डैश है वो भी काफ़ी सॉलिड है, प्लास्टिक से बना हुआ है, पर ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, चीप प्लास्टिक नहीं, जैसा कि टाटा वाले या तो फिर मारुति वाले यूज़ करते हैं। इसकी डोर की नॉइज़ आप सुनिए, काफ़ी अच्छा थड़ है, डोर को डोर डोर्स में काफ़ी वेट है, अच्छी क्वालिटी के डोर्स हैं। इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, और ये इसके जो कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। ये देखिए डैश, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यूज़ की गई है। आज तो आप बस आवाज़ ही सुनिए इस कार की। ये इसके सारे नॉब्स, डोर हैंडल्स, ये ग्रैब हैंडल्स, सब कुछ अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ है, मुझे कहीं पे भी चीप नहीं लग रहा है कुछ भी। इसके गियर्स ये देखिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है, भले ही इन्होंने फीचर्स में कमियां दी है पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कार की। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है, इसका ग्लो बॉक्स, इसका जो लाइट है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, हेलोजन होने की वजह से थोड़ा गर्म हो चुका है। इसका पिलर काफी हैवी है, उस पे जो व्हाइट मटेरियल लगा है वो भी काफी अच्छा है। ये इसके पेडल्स, एक वीडियो में देखा था मैंने, ये निकल चुके थे पर अभी तो अच्छी कंडीशन में है इसमें। तो ये देखिए डोर की आवाज़ आप सुन लीजिए बाहर से भी, ये रियर डोर की भी सुन लीजिए। सो दोनों डोर्स काफ़ी हैवी हैं, ये पिलर्स भी काफ़ी हैवी है, रूफ रेल्स भी अच्छे से फिट की गई है। चलिए पीछे चलते हैं, ये देखिए चलिए इसका बूट भी दिखा देता हूँ मैं। अंदर की साइड भी काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया है इन लोगों ने। ये देखिए ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, ये 3 kg की वेट लिफ्ट करने के लिए हुक है। और ये फीचर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बार बार करता रहता हूँ। देखिए अंदर भी काफ़ी अच्छा इंसुलेशन किया है, क्या किया है पता नहीं है क्या है, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। पार्सल ट्रे भी काफ़ी हैवी है। चलिए और ये देखिए इसका बोनेट, ये भी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस आपको सुनने मिला होगा, जो फ्यूल लीड है ये देखिए, मैं पीछे वाला डोर पहले दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा दब रहा है, 1 मिनट। ये सब कुछ हैवी है, ये बोनेट काफ़ी हैवी दे दिया है, जो पूरी बॉडी में मटेरियल यूज़ हुआ है उससे ज़्यादा अच्छा बोनेट में इन्होंने यूज़ किया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी बिल्ड है, मारुति से तो काफ़ी बेटर है ये। मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ऊपर जो साइड वाला पोर्शन है वो हैवी है, पर बीच में मैं जो प्रेस करता हूँ तो ये दब रहा है। सो रूप में तो ऐसा होता ही है, पर इन्होंने बीच में दो सपोर्ट भी दिए हुए हैं। चलिए मैं बोनेट खोल लेता हूँ और बोनेट आपको दिखा देता हूँ। सो बोनेट में काफ़ी वेट है, मैंने पहले भी फील किया हुआ है जब मैं कार परचेस करने गया था। दिखता है ना, सो क्या काफ़ी वेट बात है। है, हाँ बात कर रहे थे इस फ्यूल लेट की, तो इसमें थोड़ा सा कम गेज वाला वॉइस किया हुआ है, तो इसकी आवाज़ भी आप देख सकते हैं। और मैं बात कर रहा था, जो ये बैक डोर है वो थोड़ा सा प्रेस हो रहा है, जबकि फ्रंट डोर थोड़ा भी प्रेस नहीं हो रहा है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रंट डोर है वो काफ़ी हैवी है पीछे से। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस सुनाई दे रहा है,
अगर आपके पास भी सिट्रोइन है तो प्लीज़ उसे चेक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए ताकि बाकी व्यूवर्स को भी इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में पता चले। वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप इसे बेझिझक अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में सोच के लेना चाहते हो तो इसे आप बेशक खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप इस कार के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए, हो सकेगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।